ब्लॉग तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो अपना कोकोनट तेल का पेड़ था ना, तो जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि आप अपने कोकोनट तेल ने ब्रीड किया था और मतलब एक साल बाद ब्रीड किया था तो उसका चिक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हो चुका है, फिल फिट पर आ चुका है और अभी फ़िलहाल अभी और उसने अंडे ले किए थे और उस अंडों में से भी चिक्स निकल आया है। तो कुछ अपडेट मुझे अपने सेटअप की आपको देनी थी, तो चलो मैं सोच रहा था कि आपको अपडेट दे दूँ, तो चलिए जल्दी से जाते हैं और अपने सो फ्रेंड्स, यार मैंने आपको बताया था कि अपना कोकोटेल का चीज निकला था, तो देखो यार माशाल्लाह से कितना बड़ा हो चुका है यार। और ये रहा अपना पेयर और ये रहा उनका चीज, बहुत बड़ा हो चुका है। और एक गुड न्यूज़ है, जब इस पेयर ने ना फिर से अंडे ले किया था और उसमें से भी चिक्स निकल आया, तो वो चिक्स भी मैं आपको बता दूंगा, तो वो चिक्स भी निकल आया। और गाइस ये देख सकते हो, मैंने एक अफ्रीकन का और एक पेयर लेकर आया, ये देख सकते हो ब्लू फाइट में मैंने अफ्रीकन का पेयर लेकर आया है। यहाँ पर अपना ओल्ड वाला पेयर है और यहाँ अपनी फिंचेस है और ये कुछ बजीज के अपने घर के पट्टे है, मतलब घर से ब्रीड हुए हुए पट्टे। सो गाइस ये रहा, देखो दूसरा चिक्स भी निकल आया, मतलब अंडे ले किए थे, 5 अंडे दिए ले किए थे फीमेल ने, वो जो 2 दिख रहे हैं वो पहले के है, तो अभी 4 बचे हैं फिलहाल, तो 4 में से भी देखते हैं कितने चिक्स निकल आते हैं। तो दूसरी ब्रीड माशाल्लाह से हो चुकी है अपनी कोकोटेल की। और ये रहा अपना पट्टा पहले वाला, लुक इट, तो ये रहे तीनों। और ये जो अपना फिंचिस का पेयर है दोस्तों, यार उन्होंने 2 बार अंडे ले किए और 2 बार अंडे मतलब उनके नेस्टिंग से गिर चुके हैं, तो मैं बॉक्स लगा दिया, तो एक बार बॉक्स में भी उन्होंने ब्रीड किए, फिर बॉक्स से भी अंडा फेंक दिए, फिर अभी फिर से नेस्टिंग इधर कप लगा है, उस कप में नेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें अंडा ले करते हैं या जो भी देखते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस रह रहा है पेयर मज़े से और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी है। और ये अपना ये पेयर मैं लेकर आया हूँ, फीमेल अंदर है, ये मेल है। तो दोस्तों बहुत ही गंदी बजीस की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही थी, तो मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मटकियाँ बाहर निकाल के रख दिया था, हंडियों को बाहर निकाल के रख दिया था, तो अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मटकियाँ फिर से लगा दी और जो मेडिसिन वगैरह उनको प्रोवाइड करनी थी, कैल्शियम विटामिन जो भी देना था वो देकर फिर से मटकियाँ लगा दिया। तो अब दुआ करिए यार कि अपने जो बर्ड्स है, अपने जो बजीज पैरेट्स हैं, उनकी ब्रीडिंग माशाल्लाह हो और ज़बरदस्त हो और एक एक मटके से 4-4, 5-5 बच्चे बाहर आओ, बस यही दुआ है। तो ये दुआ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप कुछ मतलब अभी ये देख सकते हो, ये कैट फूड है, तो मेरे फ्रेंड से मैंने कहा यार भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ तो कैट फूड लेकर आए, तो ये कैट फूड है, चलो अपनी कैट को फूड देते हैं। अभी सुबह से उनके लिए फूड नहीं था तो ये फूड उनको देते हैं, तो चलो जल्दी जल्दी से फूड देते हैं कैट को। तो भाई जाने से पहले एक काम करते हैं, ये अपना पूरा टेरिस है खुला, तो यार यहाँ पर ना कुछ वाइल्ड बर्ड्स आते हैं, तो उनके लिए ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा राला डाल के चले जाता हूँ। यार मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है ऐसा करने में, अब बर्ड्स आएंगे और खा कर जाएंगे, तो बस ये है फिर, अब चलो
कैट्स को खाना दे देते हैं फटाक से। तो चलो चलते हैं। तो ये रही अपनी स्नो, और स्नो को देते हैं फूड। स्नो को इसलिए मैं भी बांध के रखो यार, बहुत ज़्यादा शरारती हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है ये, इसलिए मैंने ना इसको बांध के रख दिया स्नो को। तो माशाल्लाह से देखो किस तरह से खा रही है। और बल्लू और अपनी बुजी, बुजी चल एक सेकंड में बुजी को भी निकालता हूँ। तो ये रही अपनी बुजी, चल बुजी। और ये रहा अपना बल्लू, और ये रही अपनी स्नो। बल्लू, ए बल्लू, तो ये तीनों भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है और बहुत प्यारे हैं मेरे। ये स्नो को यार मैं स्नो और बल्लू को इसलिए भान के रखाऊँ ना, ये बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं यार, ये बाहर भाग जाते हैं, इसलिए मैं इन लोगों को बांध के रखो। और बुजी का तो कोई टेंशन नहीं, बुजी कहीं भी जाती है और कहीं से भी रिटर्न आ जाती है। बुजी ना मेरे हाथ पर भी खाना खा लेती है, लुक इट। बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, हाथ पर ही खा लेती है यार। माशाल्लाह बुजी को भी खाना दे दिया मैं। तो चलो आपने मेरे बुजी, स्नो और बल्लू को भी देख लिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।